बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, और अगर तो अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज आ रहा है, सो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट चेंज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सवाल ये पैदा होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है। दीज आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिफाइंड बाई द कंपनी अंडर द गाइडेंस ऑफ IFRS फॉर अकाउंटिंग फॉर एनी आइटम। लेट्स से जो है एक कंपनी का कोई PPE है, अब PPE को जो है कॉस्ट मॉडल पे रखना है या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है, दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्वेंट्री को फीफो मेथड पे रखना है, वेटेड एवरेज पे रखना है, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। सही है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो आपने किसी भी आइटम के लिए कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को ऑप्ट किया है, तो कैन दैट अकाउंटिंग पॉलिसी बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल, हमने PPE जो है ख़रीदा हुआ है, अब PPE को जो है हम कॉस्ट मॉडल पे रख रहे थे, अब हम बोलते हैं कि नहीं, हम PPE को रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाएंगे, इज इट अलाउड? सवाल ये पैदा होता है, इस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउड? मैंने इन्वेंट्री को जो है फीफो पे रखा हुआ था, नाउ आई थिंक आई शुड एक्चुअली कैरी माई इन्वेंट्री एट वेटेड एवरेज रादर देन फीफो, सो इज दिस चेंज अलाउड एज पर IFRS? तो आप याद रखें IS-1 के तहत अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफॉल्ट एक दफ़ा ऑप्ट हो गई तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एज अ जनरल रूल, अकाउंटिंग पॉलिसी वंस अडॉप्टेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, सिवाय दो सिनेरियो के, इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो होगा तो अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड, अदरवाइज अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नेवर बी चेंज्ड एज अ जनरल रूल। वो दो सिनेरियोस क्या हैं? नंबर वन, रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अगर तो आपको लॉ बोल दे कि भाई जो है अब आप जो करंट पॉलिसी यूज़ कर रहे हो वो अलाउड नहीं है, तो यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू शिफ्ट टू अनदर पॉलिसी। या फिर आप ये साबित कर दो कि नई पॉलिसी जो है वो पुरानी पॉलिसी से बेहतर प्रेजेंटेशन देती है, या नया मेथड या नया मॉडल जो है वो पुराने से बेहतर है, अगर तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हो, तो इस सिनेरियो में तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो उसका चेंज अलाउड है। लेट मी क्विकली रिएटरेट दैट अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ डिफॉल्ट, वंस ऑप्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड। हाउएवर, इन एनी ऑफ दीज टू सिनेरियोज अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड। नंबर वन, अगर तो लॉ आपको बोलते हैं कि आप करंट पॉलिसी यूज नहीं कर सकते, देन यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू शिफ्ट टू न्यू पॉलिसी। या फिर मैनेजमेंट ये जस्टिफाई करे कि जो नई पॉलिसी है वो पुराने से बेहतर है। तो इन बातों की रोशनी में हम क्विकली देख लेते हैं। सही है, मुझे आप बताएं कि लेट से मैंने एक PPE है, मेरे पास एक लेट से एक बिल्डिंग है, मैंने उसको कॉस्ट मॉडल पे जो है वैल्यू किया हुआ है, कॉस्ट मॉडल पे एज अ पॉलिसी। नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं जो है कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाऊं, कैन आई डू दैट? अज्यूमिंग लॉ कुछ भी नहीं बोलता, लॉ साइलेंट, मैं जा सकता हूं इस बेसिस पे कि भाई देखें, फेयर वैल्यू मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल ऑलवेज गिव्स अ बेटर प्रेजेंटेशन अबाउट दैट एसेट्स वैल्यू एज कम्पेयर टू कॉस्ट मॉडल। तो मैं कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकता हूं? जी बिल्कुल जा सकता हूं। मगर अगर लेट्स से मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहा हूं, अज्यूमिंग लॉ बिल्कुल साइलेंट है, लॉ के क्लोज को मैं कॉन्स्टेंट कर देता हूं, अगर तो मैं फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल से मैं कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहता हूं, तो क्या मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता, अज्यूमिंग लॉ वाली चीज बिल्कुल साइलेंट है। तो सर मैं इसलिए नहीं जा सकता दूसरे पॉइंट के तहत, क्योंकि सर मैं ये कभी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि भाई कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल से बेहतर होता है या रिवैल्यूएशन मॉडल से बेहतर होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू तो आपको आज की वैल्यू बता रही होती ना, कॉस्ट मॉडल तो आपको जो है क्या कहते हैं 1950 की वैल्यू बता रही होती जब आपने एसेट खरीदा होता। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, और अकाउंटिंग पॉलिसी जो है आप किस सिनेरियो में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप चेंज करते हैं तो आप उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कैसे लेते हैं, और मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा कि किन सिनेरियोज में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो होता है बट उसमें स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि आप चाहो तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट की जगह प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ले लो।